भारत के स्विट्जरलैंड में लगा यात्रियों का तांता, बैजनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। नए साल को करीब देखते हुए पर्यटकों का हुजूम एक बार फिर पहाड़ों का रुख करने लगा है। मसूरी, धनौल्टी और औली जैसे टूरिस्ट प्लेसेस इन दिनों यात्रियों से गुलजार नजर आ रही हैं। वैसे ही इन दिनों भारत का स्विट्जरलैंड यानी कौसानी में भी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। उसी कड़ी में पर्यटक नए साल को खूबसूरत बनाने के लिए उत्तराखंड की हसीन वादियों का रुख कर रही हैं। बागेश्वर के मशहूर पर्यटन स्थल में से एक कौसानी को कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ 80% होटल और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटकों की भीड़ कौसानी में होने लगी है। बीते 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर भी कौसानी में पर्यटकों का तांता लगा हुआ था। वहीं यात्री बैजनाथ और बागेश्वर के धार्मिक स्थलों का भी रुख कर रही हैं। कौसानी में छोटे बड़े मिलाकर 43 होटल और करीब 15 गेस्ट हाउस हैं। 15 दिसंबर के बाद से ही होटल की बुकिंग शुरू हो गई थी। पर्यटकों की माने तो कौसानी किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। इसके बाद से लोग कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से संबोधित करने लगे। पर्यटकों ने कौसानी आकर क्या कुछ कहा, सुनिए। है कि हम बेकार ही इधर उधर स्विट्जरलैंड वगैरह जाते घूमने को, जब कौसानी हमारे भारत में मौजूद है, जिसे स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब कौसानी हमारे भारत पर है तो हम क्यों फिर स्विट्जरलैंड जाते हैं। फैमिली के साथ आए हैं, 31 की जश्न हम यही बनाएंगे। कौसानी बैद्यनाथ के अंदर ये मंदिर बहुत सुंदर है। सुबह जब सूरज की किरणें हिमालय की पर्वतमाला पे गिरती है, बर्फ के ऊपर, बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। बहुत सुंदर जगह है यह, जहाँ पे प्रकृति अपनी आभा रोज बिखेरती है। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि लगातार पर्यटक आ रही हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी जारी है और यह हाल तब है जब इस साल पर्यटक कम है। होटल व्यवसायियों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। ये खूबसूरत है, सभी जानते हैं, जैसा कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर्यटक आते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मेरा तो मानना है सभी पर्यटकों से, जो और जगह अन्य जगह जाते हैं, कौसानी से हिमालय का दर्शन कीजिए ना आप लोग। और सालों की भारतीय पर्यटक थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि लगभग 80% के आसपास न्यूयॉर्क के टाइम में कल और परसों काम रहेगा। और बाकी हम इस समय पर्यटकों विशेष रूप से यहाँ कुमाऊनी व्यंजन परोसते हैं और पर्यटक बहुत चाव से खाते हैं। और मेरा मानना है कि आगे भविष्य में भी गेस्ट यहाँ आएगा और खुश होकर जाएगा। सर, कुमाऊनी व्यंजन में क्या कुछ है विशेष? भटके डुबके देते हैं, भटका चौला देते हैं, पालक का कापा देते हैं, अपना कुमाऊनी रायता देते हैं और अपना मडवे की रोटी देते हैं। खुश हो जाता है पर्यटक। बागेश्वर जिले में सबसे अधिक पर्यटक विश्वविख्यात पर्यटन स्थल कौसानी आते हैं। इस बार भी कौसानी के अधिकतर होटल पहले बुक हो चुके हैं। नए साल का जश्न बनाने के लिए जिला मुख्यालय के साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों में ना के बराबर सैलानी आते हैं। पर्यटक कौसानी में होटल बुक कराकर बैजनाथ और बागेश्वर के धार्मिक स्थलों के दीदार के लिए निकलते हैं। नए साल में लोगों का उत्तराखंड आना भी जारी है। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।